अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है डिस्कस करने के लिए वो ये है कि क्या शादी के फ़ौरन बाद प्रेगनेंसी होना ज़रूरी है, और अगर नहीं तो हम कितनी देर का गैप कर सकते हैं। तो आपने नोट किया होगा या आपने इर्द गिर्द बहुत से ऐसे दफ़ा हुआ होगा कि जैसे एक कपल की शादी हुई और वो फ़ौरन से प्रेगनेंट हो गई, और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि शादी के फौरन बाद प्रेगनेंसी नहीं भी होती। अभी ये देखना है कि क्या चीज़ नॉर्मल है और क्या चीज़ एबनॉर्मल है। अगर हम यहाँ पे पाकिस्तानी कल्चर की बात करें तो हमारे पास तकरीबन बहुत से पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि जैसे अगर शादी हुई, अब कुछ कपल्स तो 6 मंथ्स के बाद आते हैं, कुछ कपल्स आजकल जो ट्रेंड है वो ये है कि कम अज तकरीबन 1 महीने के बाद ही वो आ जाते हैं कि डॉक्टर साहब देखें कि हमें महीना हो गया शादी को और प्रेगनेंसी नहीं हो रही और हम परेशान हैं, और इन-लॉज का प्रेशर बहुत है, और इन-लॉज के साथ साथ फ्रेंड्स का भी प्रेशर बहुत है, और सेकेंडली ये भी होता है कि अगर 2 शादियाँ इकट्ठी हो गई हैं फैमिली में तो अगर किसी एक की प्रेगनेंसी हो गया तो दूसरे में कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि अभी प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही, डॉक्टर के पास जाएं, किस में प्रॉब्लम है। अब मेडिकली देखा जाए तो हम इनफर्टिलिटी या बांझपन उस वक़्त लेबल करते हैं कि एक कपल जो इकट्ठे रह रहा है और अगर उस फीमेल की एज 35 साल से कम है और वो इकट्ठे रह रहे हैं और 1 साल का अरसा हो चुका है जिसमें उनके इंटीमेट रिलेशनशिप मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप में कोई इशू नहीं है और वो कॉन्ट्रासेप्शन भी इस्तेमाल नहीं कर रहे और वो प्रॉपर रेगुलर इंटरकोर्स या एक्टिविटी करते हैं, तो फिर हम उसको लेबल करेंगे कि ये इनफर्टिलिटी है कि 1 साल के अरसे में उनको प्रेगनेंसी नहीं हुई। और अगर फीमेल की एज 35 ईयर्स से ज़्यादा है तो उसमें हम 1 साल का के लिए वेट नहीं करते उसको इनफर्टिलिटी लेबल करने के लिए, उसको हम 6 मंथ्स के बाद कहते हैं कि ये इनफर्टिलिटी है। अब एक कपल के लिए ये अंदाज़ा लगाना या इस चीज़ का फैसला करना कि कितना वेट करना है और क्या चीज़ नॉर्मल है क्या चीज़ एबनॉर्मल है, उसके लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। लाइक एक अगर फीमेल है और उसकी उम्र 35 साल से कम है और उसको पीरियड्स रेगुलर हैं, मैं माहवारी महीने के महीने आ रही है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि उसके ओवुलेशन उसको बोलते हैं मतलब अंडे दानी सही काम कर रही है, अंडे बन रहे हैं, एक ये चीज़ होगी। दूसरा फिर हमने ये भी देखना होता है कि आया उसमें कोई हार्मोन्स इशू तो नहीं है, लाइक उसमें थायराइड का इशू या PCO आजकल बहुत ज़्यादा है पेशेंट्स में, जिसमें औरत को सबसे ज़्यादा मसला होता है कि माहवारी ठीक नहीं आती या बहुत कम आती है या बहुत ज़्यादा आती है, वेट गेन भी होता है ऐसे पेशेंट्स में, एक्नी चेहरे पे दाने बन जाना या इस तरह से बहुत सी चेहरे पे एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ हो जाती है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाती है, या ये फ्रंट से इस एरिया से बाल कम होना शुरू हो जाते हैं, फ्रंटल बाल्डनेस होती है। तो इसके अलावा ये ऐसे PCO के पेशेंट आजकल बहुत ज़्यादा आम है अगर ऐसी कोई कंडीशन है, या फिर इसके अलावा कोई और मेडिकल डिसऑर्डर है, हाइपरटेंशन है, शुगर का मसला है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, कोई थायराइड का इशू है, और इसके अलावा अगर कोई प्रीवियस सर्जरी हुई भी है, स्पेशली पेट के में एब्डोमिनल सर्जरी, कोई अपेंडिक्स की सर्जरी हुई है, पेल्विक एरिया की सर्जरी हुई है, प्रीवियस अगर कोई सर्जरी है लाइक उसके फाइब्रॉइड रिमूव हुए, कोई ओवेरियन सिस्ट की सर्जरी हुई है, और इसके अलावा हमारे एरियाज में बहुत कॉमन है डाइस के पास जाना। अब डाइस क्या करती हैं, डाइस जो हैं या LHVs वो प्रेगनेंसी के लिए इंटरनल वजाइना में यानी कि इंटरनल मेडिसन्स देती हैं वजाइना में इंसर्ट करने के लिए। अब वो क्या होता है, उसकी वजह से ट्यूबल ब्लॉकेज देखी गई है बहुत से पेशेंट्स में, तो इसमें फिर हम यूँ करते हैं कि ऐसे पेशेंट और अगर मेल पार्टनर मेल में कोई उसकी एज 35 मेल की एज भी फैक्टर मैटर करती है, इसके अलावा मेल में अगर हाइपरटेंशन है, कोई डायबिटीज़ है मतलब शुगर है, और अगर कोई इन्फेक्शन की हिस्ट्री मम्स है, तो इन कंडीशन और वो स्मोकर, स्मोकिंग बहुत बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है हस्बैंड के पैरामीटर्स पे सीमन एनालिसिस पे, तो अगर ये सारी चीज़ें किस दोनों में नहीं हैं
दोनों हेल्दी हैं और फीमेल में नॉर्मल साइकिल है, तो फिर उसको हम 6 मंथ्स का मिनिमम वेट करा सकते हैं, 6 मंथ्स के लिए वो एंजॉय करें, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई टेंशन या प्रेशर है तो उसमें रिलैक्स रहें, ठीक है।